गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देख रहे हैं ग्रैंडपा फाउंटेन पेन रिव्यूज के ब्यूटीफुल फाउंटेन पेन रिव्यूज का चैनल। सो इस चैनल पे मैं जनरली फाउंटेन पेन के रिलेटेड बात करता हूँ। अगर आप भी फाउंटेन पेन लवर हो एंड पेन आपकी जान है तो ये चैनल आपके लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाके प्लीज, एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। सो आज का टॉपिक है ब्यूटीफुल विंटेज विंगसन 233 फाउंटेन पेन। सो सबसे पहले मैं बता दूं, ये है ओरिजिनल विंगसन 233, नॉट रीमेक, नॉट फेक, दिस इज दी ओरिजिनल वन। सो बताऊंगा मैं, आप कैसे नोट कर सकते हो कि ये आपका विंगसन 233 ओरिजिनल है या फेक है या रीमेक है। थ्री टाइप के हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम इस पेन की हिस्ट्री इन इंडिया में। इंडिया में ये पेन बहुत ही फेमस था 1980s, 90s एंड 2000 के कुछ ईयर्स में, जब चाइना से हमारा बहुत ही दोस्ती थी। चलो उसको छोड़ो, बहुत ही बेहतरीन पेन है बिकॉज इंडिया में लगभग जो 30+ या 40+ हैं उन्होंने ये पेन चलाया होगा लगभग। सो सबसे पहले इस पेन की खासियत थी इसकी निब, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्यूबलर निब थी, एंड ये हीरो को भी टक्कर देता था। एंड सबसे बात इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो नोट कि आपका विंगसन ओरिजिनल है या फेक है या रीमेक है। सो ओरिजिनल वन में ये ऐसे स्प्रिंग क्लिप है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे विंगसन चाइना में लिखा होगा एंड 233 लिखा होगा एंड पीछे मेड इन चाइना नहीं लिखा होगा। ये ओरिजिनल विंगसन की पहचान थी। पीछे लिखा हुआ है विंगसन इन इंग्लिश में, ये सामने लिखा है विंगसन चाइना में, यहाँ पे 233 मॉडल नेम। जो रीमेक एंड फेक वन में पीछे मेड इन चाइना लिखा होगा। एंड इसके कैप का वो है, देखो यहाँ पे एक पॉपअप क्लिप की साउंड है, अच्छे से लॉक होता है, जो कि रीमेक एंड फेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। एंड इसका बिल्ड क्वालिटी उनसे ज़्यादा हैवी एंड प्रीमियम है। सो इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की निब लगी हुई है, एंड ऑल दो ये शेफर की कॉपी है बट ओरिजिनल विंगसंग है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी विंगसंग चाइना में लिखा हुआ है। ओरिजिनल विंगसंग में ऐसे लिखा होगा, रीमेक में यहाँ पे चाइना में लिखा होगा, सॉरी मेड इन चाइना या विंगसंग लिखा होगा इंग्लिश में। एंड यहाँ से मैं ओपन नहीं करूँगा बिकॉज अभी मैंने इसको इंट किया है। सबसे पहले मैं इसका कंपैरिजन बताता हूँ कि ये विंगसंग 233 है, 727 विंगसंग का यहाँ पे, एंड प्लेटिनम ट्रैप देख सकते हैं। इसमें भी बहुत ही ब्यूटीफुल विंगसंग की निब लगी हुई है, इसका भी रिव्यू जल्दी आएगा। एंड देख सकते हो प्लेटिनम के जैसा ही शेप में है बट प्लेटिनम से थोड़ा सा थिन है। सो इनको रखते हैं साइड। वेट की बात करें तो फ्रेंड्स, इस पेन का वेट है 14 ग्राम्स विद कैप, एंड विदाउट कैप इसका वेट आता है 10 ग्राम्स। सो वेट वाइज इसका बहुत ही अच्छा वेट है डेली हैंडराइटिंग के लिए। सो देखते हैं हमारा विंगसंग कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, एज यू नो मैं इसको पोस्ट नहीं करता हूँ। हमारे पास है विंगसंग 233 ओरिजिनल 1980s मॉडल। सो इट हैज अ ब्यूटीफुल फाइन टू मीडियम निब, राइट, वेरी नाइसली। देखते हैं इसमें फ्लेक्स, हाँ इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लेक्स, देख सकते हो फ्रेंड्स। इसमें सम फ्लेक्स हैं डिसेंट, एंड वेटनेस के मामले में बहुत ही बेहतरीन वेटनेस है इसमें। एंड इसमें इंक है ग्रैंडपा की ब्लू, विच राइट्स वेरी नाइसली। सो बहुत ही बेहतरीन इसमें इसका इंक फ्लो है। इंक्स का भी मेन पार्ट होता है पेन्स में, उसकी इंक फ्लो सिस्टम को जज करने में। सो कभी कभी जैसे कि मेरे पास ये विंगसंग जिनहाओ का 86 है, इसमें कोई भी इंक अच्छे से नहीं करती फ्लो,
इवन ग्रैंडपा फाउंटेन पेंस की भी, बट इसमें ग्रैंडपा फाउंटेन पेंस की रूबी रेड है वो इसमें बहुत ही अच्छी चलती है, जो कि मैंने अभी इंक्ड की हुई है इसमें परमानेंट, इसमें ये वही इंक्ड इंक्ड करता हूँ। सो देखते हैं इसका राइटिंग सैंपल। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी लेजी डॉग। बहुत ही बेहतरीन पेन देख सकते हैं, वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ इंक ये निकालता है, बट बहुत ही बेहतरीन फ्लो के साथ। सो ये था मेरा रिव्यू अबाउट विंगसंग 233 ओरिजिनल वन। सो बहुत ही बेहतरीन पेन था ये विंगसंग, बट होप ये इंडिया में दोबारा से स्टार्ट हो, बट अभी ये नहीं मिलता है, बहुत ही हार्ड टू फाइंड है फ्रेंड्स। इसका रीमेक एंड कॉपी वर्जन मिल जाता है, वो भी 700 to 1000 रुपीज़ में। ये मेरे पास सिर्फ एक ही था एंड ये भी सोल्ड हो गया है। सो मेरे कस्टमर ने इसको बाय कर लिया है। सो मुझे भी, मेरा भी मन नहीं करता इसको बेचने का, बट उन्होंने पेमेंट कर दी थी तो वो बोल रहे थे कि अभी तो पेमेंट हो गई है, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आपको भेज दे दूंगा। बट ये है विंगसंग 233 ओरिजिनल फाउंटेन पेन। सो बहुत ही बेहतरीन पेन है। इस प्राइस में तो आपको लग रहा होगा कि पहले तो इसका प्राइस होता था ना 30 to 40 या इवन 100 रुपीज़ में ये मिल जाता था, बट अभी ये है ना कि इसमें ये मिलता नहीं है, तो ये विंटेज पेन है, तो इसकी कॉस्ट, इसकी कंडीशन, इसकी राइटिंग एंड इसकी लुक्स एंड सबसे बात कि ये ओरिजिनल है या फेक है उस पर डिपेंड करती है। 500 to 2000 इसकी रेंज चल जाती है फ्रेंड्स इंडिया में। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।